हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल गाइस। सो गाइस, आज की टाइटल देखकर आप लोगों ने समझ ही लिया होगा कि मैं आज आप लोगों के साथ क्या शेयर करने वाली हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ फेस से रिलेटेड कुछ बताने वाली हूँ। जो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आलू हमारे फेस के लिए बहुत ही अच्छा होता है और लेमन भी हमारे फेस के लिए बहुत अच्छा होता है, तो मैं आज उससे रिलेटेड कुछ फेस पैक, ब्लीच और क्रीम बनाकर दिखाऊंगी आप लोगों को। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आलू हमारे फेस के लिए बहुत ही अच्छा होता है और आप इसे ईजिली ही बना सकते हैं, बिल्कुल होम रेमेडी है ये। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा ये मेरा वीडियो। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये एक आलू लिया हुआ है और यहाँ पे मैंने आलू के छिलके उतार लिए हैं और मैं इसे अब कद्दूकस कर लूँगी। आप चाहे तो इसे बारीक बारीक काट के आप इसको मिक्सर जार में पीस भी सकते हैं। तो इस तरह से मैंने कद्दूकस कर लिया है, मैं इसके सारे रस को निचोड़ लूँगी। तो यहाँ पे मैंने सारे रस को निचोड़ लिया है, ये हमारा आलू का रस है। इसी से मैं बनाऊँगी ब्लीच फेस क्रीम और फेस पैक। तो यहाँ पे मैंने ब्लीच बनाने के लिए लिया हुआ है आलू का जूस और इसमें मैं मिलाऊँगी दही एक चम्मच। दही भी हमारे फेस के लिए बहुत अच्छा होता है। और मैं इसमें यहाँ पे लेमन लूँगी, एक स्पून लेमन भी आपको लेना है। आप अपनी अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, आपको जितना ज़्यादा लेना है, लेकिन अगर आप स्पून लेते हो तो बहुत ही अच्छा है। और अब इसमें मैं डालूँगी रोज़ वाटर 1 स्पून। और मैं इसमें डालूँगी ज़रा सा एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल भी हमारे फेस के लिए बहुत ही अच्छा होता है, हमारे फेस को बहुत लाइट एंड ब्राइट करता है और साथ में स्मूथ भी करता है। और यहाँ पे ज़रा सा मैं एक चुटकी डालूँगी हल्दी। हल्दी भी हमारे फेस के लिए बहुत अच्छा होता है, ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है हमारे फेस के लिए। और मैं यहाँ पे अब अप्लाई करूँगी। इन सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से मैंने मिला लिया है। तो आपको अपने फेस पे इस तरीके से इसे अप्लाई करना है और हल्के हल्के हाथों से रब करना है और फिर इसे आपको ठंडे पानी से धो लेना है। इस तरीके से आपको अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है। आप इसको इसके 15 से 20 मिनट तक रखना है, फिर ठंडे पानी से आपको इसे धो लेना है। तो यहाँ पे मेरा देखिए ब्लीच सूख चुका है, अब मैं इसे ठंडे पानी से धो लूँगी। तो ये देखिए मैंने वॉश कर लिया है, तो आप देख सकते हैं फेस पे अलग ही सा ग्लो दिख रहा होगा आपको। तो अब बारी आती है फेस पैक बनाने की। तो यहाँ पे मैंने आलू का जूस लिया हुआ है, उसमें मैंने एक चम्मच डाला हुआ है मुल्तानी मिट्टी। अब इसमें मैं मिलाऊंगी एक चम्मच बेसन। अब इसमें मैं डालूंगी 1 स्पून रोज़ वाटर। इसमें डालूंगी मैं चुटकी भर हल्दी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये हमारा फेस पैक बन के हो गया है रेडी। अब मैं इसे अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। तो इस तरीके से आपको, आप चाहे तो ब्रश की हेल्प से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट मैं अपने हाथों से ही अप्लाई कर रही हूँ। आपको इसका मोटा पतला जैसा भी आप चाहे अपने अकॉर्डिंग लेयर कर सकते हैं। ये भी हमारे फेस के लिए एक पैक, हमारे फेस के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा ग्लो आता है इससे, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी, बेसन और रोज़ वाटर, आलू, ये सारे चीज़ें जो होती हैं वो हमारे फेस के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। तो आप चाहे तो इसे डेली भी लगा सकते हैं, ये कोई हार्मफुल नहीं है, बहुत ही अच्छा होता है फेस के लिए। तो ये देखिए हमारा पैक सूखने ही वाला है, लगभग सूख चुका है। तो आपको 15 से 20 मिनट तक आपको इसको रखना है, उसके बाद आपको वॉश कर लेना है। तो ये देखिए मैंने वॉश कर लिया है। बारी आती है क्रीम बनाने की। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी में आलू का जूस लिया हुआ है। अब इसमें मैं डालूँगी एक चम्मच दूध। दूध आपको कच्चा लेना है। अब इसमें मैं डालूँगी एलोवेरा जेल।
उसके बाद मैं डालूंगी इसमें हल्दी, एक चुटकी हल्दी डालना है आपको। उसके बाद आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरीके से। तो ये हमारी क्रीम जो है वो रेडी हो चुकी है। तो अब इसे मैं अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। आप चाहे तो इस क्रीम को ओवरनाइट भी अपने फेस पे लगा के रख सकते हैं, दिन में भी लगा सकते हैं। ये क्रीम बहुत ही अच्छा है, ये नाइट क्रीम का भी काम करता है, आप डे में भी लगा सकते हो। तो इस तरीके से आपको अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लेना है, हल्का सा रब करते हुए। ये आपके फेस पे एब्जॉर्ब हो जाता है और इससे बहुत ही अच्छा ग्लो आता है। आप लोग ट्राई करके देखना, ये क्रीम जो है बहुत ही अच्छा है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो क्रीम आप देख सकते हैं मेरे फेस पे एब्जॉर्ब हो चुका है, अच्छी तरीके से मिल चुका है। आप इसे चाहे तो आधे घंटे के लिए रख के आप इसे वॉश कर सकते हैं, या चाहे तो आप इसे होल नाइट भी रख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, जो आलू का मैंने जूस निकाला हुआ था, ये आलू का जो बचा हुआ है कद्दूकस किया था, इसे आप इसे अपने आई जो अंडर सर्कल हो जाते हैं, डार्क सर्कल, उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो उससे जो है वो हमारे डार्क सर्कल रिमूव होते हैं। तो इस तरीके से आप इसे बचे हुए आलू को इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस, आज की वीडियो मेरी कैसी लगी आप लोगों को? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। सो गाइस, चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। और आप एक बार ये फेस पैक और ब्लीच और पैक ज़रूर बनाकर देखिएगा कैसी लगी आप लोगों को।